ओके बच्चों, क्या चल रहा था हमारा लास्ट टॉपिक बता दो जरा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक हम लोग फिनिश कर चुके थे। वहां तक आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए? कुछ डाउट आया? कोई भी डाउट नहीं आया? हेलो, ओके है? बोलो बच्चों, कुछ डाउट आया है तो पूछो। बुक लेके आओ बेटे, इसको क्लोज कर दो। कौन सा बोली? चलो पेज नंबर 459, क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 459, क्वेश्चन नंबर 10। A particle is kept on the surface of a uniform sphere of mass 100 kg and radius 10 cm. Find the work to be done per unit mass against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere. ठीक है, from the sphere. देखो ये बहुत ही सिंपल है बेटे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10। तो एक क्या है? स्फेयर है। इसका मास कितना है? 100 kg और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 100 kg और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, समझ गए ना? फाइंड द वर्क टू बी डन पर यूनिट मास, है ना? यहां पर से यूनिट मास को लेके जाना है कहां पर? फार अवे फ्रॉम द स्फेयर। जब आपको बोलता है फार अवे फ्रॉम द स्फेयर, That means कि आपको कहां लेके जाना है? इंफिनिटी। कहां लेके जाना है? इंफिनिटी। तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बेटा? यहां से वन, ठीक है? कहां लेके जाना है? बहुत दूर, इंफिनिटी, ठीक है? ये सेकेंड पॉइंट हुआ, ठीक है? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में हमें क्या पूछ रहा है बेटा? वर्क डन निकालना है। आगे बात समझ में इतनी? तो बेटे देखो क्या करना है आपको, याद करो तो डेफिनेशन क्या पढ़े थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़े थे बच्चे? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है? आगे बात समझ में? यहां से उठा करके यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ था, किसको? 1 केजी मास को, यानी यूनिट मास को, उसी को अपन क्या कहते थे? पोटेंशियल कहते थे। आगे बात समझ में? तो बेटे यहां से यहां आने में जो वर्क डन लगा था, वही तो यहां से यहां ले जाने में लगेगा। नहीं समझा? अच्छे से समझा? दैट मींस कि अगर हम यहां का पोटेंशियल निकाल लेंगे तो वो क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम देयर टू हियर। तो सेम चीज क्या होगा? यहां से वहां ले जाने में, मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? वी पूछ रहा है, मतलब उसका पॉजिटिव। आई की नहीं बात समझ में? नहीं समझा? क्लियर है? तो V बराबर क्या होता है बेटा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल R, कस किस पे? सरफेस पर, होता है कि नहीं? तो बेटे क्या हो गया? तो हमको क्या है, वहां से यहां लाए थे तो माइनस हुआ था, यहां से वहां ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा? प्लस होगा। समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये प्लस हो गया। कैपिटल G कितना है हमारे पास? 6.67 इंटू 10^-11। कैपिटल एम कितना है बेटे? 100 और रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1। नहीं समझा? इसको हटाएंगे बेटा, 1000 हो गया, 1, 2, 3 क्या बचा? 8। तो 6.67 इंटू 10^-8 यूनिट क्या होता है बेटा वर्क डन का? जूल। कौन सा आया? ऑप्शन नंबर डी, फॉर डॉग। सही है ना? देख लो, चेक कर लो। और बोलो बच्चे। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ू मैं। 10.42 10.43 बनाने से पहले, है ना, थोड़ा सा एक टॉपिक हेडिंग डालो। ओपन करो बच्चे, ओपन करो। हाँ
गया था देख के, आ गया क्या इतना बात समझ में? बढ़ जाऊं मैं आगे, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना। फाइंडिंग फाइंडिंग फोर्स, फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल, फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल, फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल। लास्ट डे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चे, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या आया था याद करो, बोलो बोलो, है ना, डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है बेटे, अगर ई और डी आर सेम डायरेक्शन में हो, इसको एक्सपांड करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो dv इक्वल्स टू क्या, माइनस ई डी आर, नहीं ना समझा, तो देयर फोर e बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dv बाय dr। अरे बोलो, नहीं समझ आ रहा है, तो e बराबर क्या हो जाता है, माइनस dv बाय dr। क्या मतलब हुआ, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था तो आपने क्या किया, e और dr का डॉट प्रोडक्ट किया, है ना। अब मुझे अगर फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डीवी बाय डीआर करूंगा। क्या मीनिंग होता है बेटा इस चीज का, ये देखा देखा लग रहा है क्या हमने अपने को, क्या लग रहा है, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये भी क्या है, पोटेंशियल है, किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, है ना। दैट मींस कि अगर पोजीशन को, समझ गए क्या, पोजीशन को इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी पोटेंशियल को पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, अच्छे से क्लियर है, मैंने क्या हेडिंग डलवाया था आपसे, फोर्स नहीं फील्ड, ऐसा डाल फील्ड, फाइंडिंग कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, किससे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज हियर, E बराबर माइनस dv बाय dr, क्या मतलब हुआ, d बाय dr मतलब डिफरेंशिएशन किसका, v का, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, अंडरस्टूड। अच्छा r क्या होता है बेटा, पोजीशन होता है, r क्या होता है, पोजीशन होता है। अब याद करो, अगर आप अच्छे से याद कर सकते हो तो अगर r हम जनरली कब यूज करते थे, जब पोजीशन जो है या तो प्लेन या स्पेस में होता था तब हम R यूज करते थे, है ना, अदरवाइज सिर्फ x x लाइन पर रहे तो या तो x या तो y या तो z होगा, प्लेन होगा तो दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, x y या y z या z x, है ना, और अगर स्पेस रहा तो फिर क्या होता है, तीनों चीज की जरूरत पड़ती है। मोहम्मद कौन है, उधर है क्या, देखिए उस क्लास में होगा, B3 ऊपर होगा, समझा क्या। ठीक है, आर कब यूज करते हैं, जब स्पेस की बात होती है या प्लेन की बात होती है, स्पेस या प्लेन की बात होगी तो एक से अधिक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई वाई जेड या तीनों, है ना, आ रही बात समझ में, और अगर लाइन में होगी तो सिर्फ किसी एक से ही काम चलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ये x का ही x, v अगर सिर्फ x का फंक्शन होता तो अपन क्या करते बेटे, ध्यान से देखना, तो हमको ये समझ में आ गया, मेन जो हमारा फॉर्मूला निकला, माइनस dv बाय dr। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर v सिर्फ x का फंक्शन हुआ तो आप क्या कर सकते हो, E का x कंपोनेंट निकाल सकते हो माइनस dv बाय dx करके। ठीक है, y कंपोनेंट आपको निकलेगा अगर आप उसको y के साथ डिफरेंशिएट करोगे,
जेड कंपोनेंट निकलेगा अगर आप उसको जेड के साथ डिफरेंशिएट करते हो। समझ गए क्या? यहां से जो मिलेगा ना बच्चे, वो सिर्फ आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। ये एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। अब जो फील्ड होता है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो, फील्ड स्केलर की वेक्टर, वेक्टर है। तो वेक्टर को क्या, ये मैग्नीट्यूड निकल गया है ना, वेक्टर कंप्लीट कैसे लिखाएगा बेटा बताओ? ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, है ना, इस तरीके से। तो आप यहां से ई एक्स निकाल लोगे, ई वाई निकाल लोगे, ई जेड निकाल लोगे और ये सारी चीजों को यहां पर रख दोगे तो कंप्लीट फील्ड आ जाएगा आपका। नहीं समझा? अच्छे से समझा? ठीक है। अच्छा सुनो, कभी अगर ऐसा हुआ, सिर्फ x का हुआ तो ये करेंगे, सिर्फ y का हुआ तो ये करेंगे, सिर्फ z का फंक्शन हुआ तो z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एक साथ x, y, z तीनों का फंक्शन हुआ तो, ठीक है, एक साथ अगर x, y, z तीनों का फंक्शन हुआ तब क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या करना है, फिर भी यही मेथड यूज करना है। ध्यान बस ये रखना है कि जब आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो उस फंक्शन में जो y और z होगा उसको आप कांस्टेंट मानोगे उस समय के लिए। नहीं समझा? उस समय y z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। जिसको कांस्टेंट मानते हैं उसको क्या करते हैं बेटा, एज इट इज रखते हैं। कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, तो उसको एज इट इज रखेंगे। फिर अगली बार जब x y के साथ करेंगे तो x और z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगली बार जब हम z के साथ करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। फिर ये जो तीनों चीज आएगा उसको ऐसे अरेंज कर लेंगे। कुछ दिक्कत है? सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आप बनाना। ओके, फॉर एग्जांपल आपको जो दिख रहा है पेज नंबर 458 पर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10.42। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है, v बराबर xy square, और क्या बोलता है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, क्या चाहिए, फील्ड चाहिए एट कहां बेटे, 2 1, कहां पे चाहिए, 2 1। क्या मतलब होता है बेटा इसका, इसका क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए। तो ये जो पहला होता है वो किसको बताता है, x को, और ये दूसरा क्या बताता है, y को। तो जहां पर चाहिए वहां का x और वहां का y आपको गिवन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बताओ आपको देख करके क्या लग रहा है बेटा, ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, अकेला x है, अकेला y है, अकेला z है या मिक्स है? मिक्स है। तो क्या करूंगा मैं, पहले पहले मुझे x चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ex चाहिए। क्या करूंगा बेटे, है ना, इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा, x के साथ। उस समय y क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है बेटा, तो y स्क्वायर क्या रहा, एज इट इज रहा। x का x के साथ डिफरेंशिएशन कितना, 1, है ना, और माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले का, तो ये क्या हो गया, देखो माइनस ऑफ y स्क्वायर। नहीं ना समझा आपने, समझा कि नहीं समझा, अच्छे से समझा। फिर उसी तरीके से बेटा y के लिए करूंगा, है ना, क्योंकि ये इसमें सिर्फ x y है ना, तो सिर्फ x और y कंपोनेंट आएगा, z भी होता तो z कंपोनेंट आता। नहीं समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो y के लिए मैं क्या करूं बताओ, अब की बार किसको कांस्टेंट लूं, x को कांस्टेंट लूं, है ना, x कांस्टेंट रहा तो x एज इट इज आ गया बेटा, y स्क्वायर का y के साथ क्या होगा, 2y। आ गई बात समझ में, और साथ में क्या लगा रहेगा, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। अच्छे से समझा कि नहीं? फिर मैंने क्या बोला, इन चीजों को आपको क्या करना है, इस रूप में अरेंज करना है, x के साथ क्या लगाना है बेटा, i कैप, y के साथ क्या लगाना है आपको, j कैप, है ना। तो ये क्या बन गया, वेक्टर। तो टोटल क्या हो गया बेटा, टोटल जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, वो क्या हो गया, ex plus ey। तो देखो ex कितना है बेटा, माइनस y स्क्वायर i कैप एंड माइनस 2xyz कैप।
अब किस एक्स और वाई पे चाहिए वो भी गिवन है, तो वो रख लो, है ना बेटे। माइनस वाई कितना है वहां पर, वन है, तो ये क्या हो गया बेटा आई कैप, और माइनस टू एक्स कितना है बेटा टू, वाई कितना है वन, जी कैप, तो कितना आया माइनस आई कैप माइनस फोर जे कैप। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट विच इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ है उस जगह पर कितना आया माइनस आई माइनस फोर जे है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो अब चूंकि मुझे वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड में बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं। बता दो बेटे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर एंड फोर का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 17। कुछ दिक्कत है तो बोलो, फिर से बोलिए बेटा, यहां ये वाला मैंने क्या बोला बेटा, आपको x कंपोनेंट चाहिए तो x के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस समय y को क्या लेना है कांस्टेंट, तो जो चीज कांस्टेंट होता है उसको सीधा सीधा रख देते हैं, y स्क्वायर आ गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, x का, x का x के साथ डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो वन रख दिया, है ना, ये x कंपोनेंट है, x का डायरेक्शन किधर होगा आई कैप। फिर अब की बार y कंपोनेंट निकालना है, y कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, y के साथ डिफरेंशिएट करोगे, है ना, अभी हम y पे काम कर रहे हैं तो x मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट, x एज इट इज आ गया, y स्क्वायर का y के साथ कितना हुआ, पावर सामने चला जाता है ना, और एक माइनस हो जाता है तो 2y, डायरेक्शन क्या j कैप, समझ गए। और बोलो बच्चे यहां तक कर लिया, ऐसा और कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको, किसको नींद आ रही है, चलो ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, मैं अपने से दूं ओरली देता हूं, ठीक है दो नेक्स्ट एग्जाम्पल करोगे ऐसा ही, बोलो भाई लिखो लिखो, इफ इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय वी इक्वल टू 4x square yz, then find gravitational field at P 1 2 3। चलो फटाफट करो, आया किसी का, हाँ
आया किसी का? क्या बोला बेटे? 48 सब प्लस में तो बोला करना, सब माइनस में। देखो और किसी का आ रहा है क्या? ये नोबडी, यही आ रहा है। कौन सा लास्ट वाला? ये आ रहा है क्या और किसी का? अरे फटाफट बोलो ना, इसमें इतना क्या सोचना है, हैं? इतना इजी है। आपका माइनस एट आ रहा है। चलो तो क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल है। v का फंक्शन दिया हुआ है अपने को, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ex माइनस लगा रहेगा। अब की बार किसको कांस्टेंट लूं बताओ, क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? x को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो 4yz कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट। इसमें कहीं भी उस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है जिस बॉडी को हमने अर्थ पे रखा था, रखा है ना उसका। आ रहा है क्या समझ में? इस बॉडी का मास इसमें आया? इस बॉडी के मास का कोई रोल है इसमें? इससे क्या समझ में आता है बेटा? मैं यहां पर कोई भी बॉडी रखूं, है ना, मोटा रहूं, पतला रहूं, लंबा रहूं, छोटा रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी सबकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम ही होगी। हम सब क्या होंगे? सेम एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होंगे। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। आ गई बात समझ में अच्छे से? अब आपसे अगर कोई पूछे कि अगर मैं एक कागज का टुकड़ा और एक क्वाइन को, है ना, एक कागज के टुकड़े और एक क्वाइन को अगर मैं एक सेम हाइट से गिराऊं तो कौन जमीन पर पहले पहुंचेगा? क्वाइन जमीन पर पहले पहुंचेगा। ठीक है, यही होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या बोल रहा हूं, अगर ये बोलूं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, वैक्यूम है, क्या है बेटे, वैक्यूम है, देयर इज नो एयर, नथिंग एल्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दैट कंडीशन सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? यस, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो जी है वो दोनों के लिए क्या होगा,
सेम होगा, जी जो है स्मॉल जी वो दोनों के लिए सेम है ना। हमने पढ़ा है फ्री फॉल, जब हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने फ्री फॉल पढ़ा, तो हमने क्या किया भाई, दोनों को सेम हाइट से गिराया ना, है ना। इसके लिए भी क्या हुआ, इसके लिए भी क्या है, सेम है। तो याद करो बेटा, फ्री फॉल में टाइम क्या होता था, स्क्वायर रूट 2h बाई जी होता था कि नहीं। दोनों के लिए h हमने सेम रखा है और हमको पहले से पता है कि कोई भी बॉडी रहे, है ना, हल्का हो या भारी हो, है ना, पतला हो, मोटा हो, चौड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, है ना, सबके लिए g क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि g g बॉडी के शेप, साइज, मास ये सब पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उस प्लैनेट के मास और रेडियस पर। तो दोनों तो अर्थ पर ही है ना, तो दोनों के लिए जी क्या हुआ, सेम हुआ। एच भी दोनों के लिए सेम लिया था तो टी भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों एक साथ पहुंचेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है, ओके अंडरस्टूड। तो अगर आपसे ऐसा कोई पूछे तो आपको बोलना है कि बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, ठीक है, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिख लें आंसर, कारण क्या होगा भाई, बिकॉज स्मॉल जी इज सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ, अंडरस्टूड। आप अपने तरीके से इसको लिख लें। आगे बढ़ जाऊं बेटे, बोलो आगे बढ़ जाऊं, चल नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो स्मॉल जी है वो हमेशा वो कांस्टेंट है कि वेरी करेगा, क्या बोलोगे, स्मॉल जी कांस्टेंट है कि वेरी करेगा, तो स्मॉल जी बेटा कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हेडिंग डालें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला लिखो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब हाइट, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ओके शुरू करें। तो देखो बेटा, अभी जो हमने निकाला था वो कहां पे निकाला था, स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस पे निकाला था। अब अगर हम सरफेस से ऊपर उठेंगे, है ना, जैसे कि हमने किसी बॉल को फेंका, है ना, तो वो तो सरफेस के ऊपर चला जाता है, आ रही बात समझ में, एरोप्लेन को उड़ाया जब वो ऊपर चला जाएगा, है ना, झूले पे झूल रहे हैं जब हम ऊपर चले जाएंगे, रॉकेट को फेंका, रॉकेट बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो क्या असर पड़ेगा उस पर, है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो बेटे ये हमारा अर्थ है, तो इसका जो मास है हम क्या ले सकते हैं, एम ई, रेडियस क्या ले सकते हैं, आर ई, समझ गए, कुछ दिक्कत है इसमें। तो जब हम यहाँ थे तो वो तो हमने निकाल लिया, ये अर्थ का सरफेस था, सरफेस पर हमने देखा जी ई कितना आया बेटा, जी एम ई, अरे बोलो ना, हमको थोड़ी याद करना है, तुम लोगों को याद करना है, और तुम ही लोग एकदम मुंह में दही जमा के बैठे रहते हो, है ना, समझ गए क्या। अब बेटा अगर हम यहाँ से कुछ ऊपर उठ जाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, इतनी जल्दी ऊपर नहीं उठना है सर, उतना ऊपर नहीं उठना है, ठीक है। तो मान लो हमने कुछ हाइट ऊपर चले गए, है ना, तो अब बताओ बच्चे, ये जो मास था उसको जब मैं यहाँ ले आऊंगा, स्मॉल m यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो अब इसके और इसके बीच में दूरी कितनी बची बेटा, आर ई प्लस एच, इतना है इसके बीच की हाइट, इसको मैंने बोल लिया स्मॉल r, है ना। अभी अभी हमने देखा g की फॉर्मूला क्या है बेटा, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो अब जो हाइट पर यहाँ पर जो g होगा, जी एच, उसको मैं g
एम ई बाय आर का स्क्वायर बोलूं तो चलेगा? नहीं समझा? कोई दिक्कत? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देयरफॉर जी ऑन हाइट इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर, और आर हमारा कितना है बेटा? इतना है, रख दूंगा इसका वैल्यू, है ना, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। कुछ दिक्कत है? अब हम क्या करें, जी ऑन हाइट इक्वल टू जी एम ई अपॉन, यहां से अगर मैं आर ई कॉमन लू तो क्या बोलोगे? आर ई कॉमन लिया सर, तो ये बचा वन प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा है ना? आर ई कैसे बाहर लिया? कॉमन लेना नहीं आता बेटे, आर ई को बाहर किया तो यहाँ पर आर ई था तो वन बचा, यहाँ पर नहीं था तो डिवाइड हो गया, जहाँ से रहता है वहाँ से निकल जाता है, नहीं रहता तो डिवाइड हो जाता है। समझ गए क्या? तो बेटा ये देखो क्या हो गया, जी एम ई अपॉन स्क्वायर लगाऊंगा तो आर ई का स्क्वायर और वन प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर, चलेगा? ओके, अब देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये देखा देखा लग रहा है, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, नहीं समझा? क्या है बेटा ये? जी ऑन अर्थ सरफेस है, तो उसके बदले हम क्या कर लें, जी ऑन अर्थ सरफेस रख लें, तो ये हो गया जी ई अपॉन वन प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जी ऑन हाइट। ओके, किसी हाइट h पर स्मॉल g कितना होगा? तो इतना होगा। अब मुझे ये बताओ, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो ये बढ़ेगा, h क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मैं ऊपर गया है ना, और ऊपर गया, h बढ़ता गया, h बढ़ेगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा, है ना, ये h बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, और ये वाला टर्म बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ये और ये क्या है, इनवर्स है। समझ गए? तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्मॉल जी की वैल्यू घटती जाती है। कुछ दिक्कत है? स्मॉल जी की वैल्यू घटती जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, स्मॉल जी डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। नहीं समझा? अरे बोलो, स्मॉल जी डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड, अच्छे से समझा, क्लियर है ना? ओके, अब एक बात मुझे और बताओ, बढ़ जाऊं मैं आगे, बोलो बच्चे, अगर आप एक बॉल है ना, उसको आप ऐसा फेंकोगे, कितना ऊपर फेंक लोगे? कभी देखा, ट्राई किया कभी बॉल क्रिकेट वगैरह खेला, किसी पत्थर वत्थर को ऊपर मारा? अरे बोलो ना, ये सब भी कठिन क्वेश्चन है क्या? किया ना, कितना ऊपर फेंक लेते हो? 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, कितना है? बोलो, 100 मीटर, 100 मीटर, फिर चलो मैं मान लेता हूँ, है ना, तुम बहुत बड़े बाहुबली हो, है ना, 1 किलोमीटर फेंक लोगे, उससे ज्यादा थोड़ी फेंक पाओगे, और भी ज्यादा बड़े बाहुबली हुए 10 किलोमीटर फेंक लो तुम, ठीक है, आई क्या बात समझ में? ये भी बहुत बड़ा हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, आउट ऑफ आवर कैपेसिटी हो गया, है कि नहीं बेटे? तो अगर मैं मान लेता हूं कि 10 किलोमीटर भी ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, देखो तो को लेना
ठीक, क्या बोल रहे थे बेटे ने, बोलो। हाँ, 10 किलोमीटर अगर मैंने फेंक लिया तो क्या होगा, देखो तो जी ऑन हाइट जी ऑन अर्थ अपॉन 1 प्लस एच, कितना लिया मैंने 10 किलोमीटर, और आर कितना होता है बेटा 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, ये संपला, ठीक है। तो जी ऑन अर्थ अपॉन 1 प्लस ये देखो, ये एक जीरो कट जाएगा, 1/640 का स्क्वायर। क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ये जो सर ने किया है ना, ये बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा, नहीं 1/640 नहीं, बहुत 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 छोटा है ये, दिख रहा है कि नहीं, 1/640 वेरी वेरी स्मॉल है ना। तो ऑलमोस्ट जो है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है, इजंट इट, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। आ रही बात समझ में, अगर ये नेग्लिजिबल है इसके रिस्पेक्ट में तो मैं इसको अप्रॉक्स 1 रख सकता हूँ, अप्रॉक्स 1 रखूंगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, जी ऑन एच किसके बराबर आया, जी ऑन अर्थ के बराबर ही आया, नहीं समझा। तो कुल मिला करके मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुमको, कि याद करो हम लोग पहले जब फ्री फॉल पढ़ा करते थे तो स्मॉल जी को क्या लेते थे हम, किसी चीज़ को ऊपर फेंकते थे और फिर जी को क्या पकड़ते थे, कांस्टेंट पकड़ते थे, वो इसलिए क्योंकि दिख रहा है आपको थोड़े बहुत हाइट से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। तो अप टू 10 किलोमीटर की रेंज पर, अप टू 10 किलोमीटर की रेंज तक इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम इसको कांस्टेंट पकड़ सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में, अच्छे से पता चला, ओके। लेकिन उससे बड़ा चेंज हुआ, ठीक है, उसके बड़ा चेंज हुआ तो फिर क्या होगा, मतलब बड़ा हाइट हुआ, एच ज़्यादा बड़ा होगा तब तो फिर ये क्वांटिटी आएगी ना। अरे नौमान जा, तो मुंह धो करके आ जा, उठ जाओ, बात समझ में आ रही है। जब मैं ये बड़ा लूंगा एच, तब ये क्वांटिटी कंसिडरेबल हो जाएगी, आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में, तो चलो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर दो चीजें, दो परिस्थिति हो सकती है, जिसमें एक में हम क्या कह सकते हैं कि हाइट जो है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, और एक हम कह सकते हैं कि h जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में कंसिडरेबल है, ठीक। तो अगर मैं ये मानूं इफ h इज वेरी 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 स्मॉल देन r e, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा हो, कुछ दिक्कत है, तो ऐसे सिचुएशन में h बाय r e की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, क्या होगी h बाय r e की वैल्यू क्या होगी, है एच बाय आर ई की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा, है ना, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होगा, होगा कि नहीं। इफ एच इज मच मच लेस देन आर ई, तो एच बाय आर ई क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं G on H बराबर G on Earth, इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या बोलोगे, 1+H/RE, बोलो बोलो, इसको ऊपर ले गया क्या हुआ, -2, समझ गए क्या, और H/RE क्या है, 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा, कुछ क्लिक कर रहा है आपको, 1+X^n x इज मच मच लेस देन 1, नहीं नहीं क्लिक किया, आइए, अरे कुछ क्लिक नहीं कर रहा, अरे जंक लग गया है क्या, रस्टेड हो गया है पूरा दिमाग, कुछ किसी के भी 40 30 25 20 25 बच्चों में किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है,
एक का खराब हो सकता है, 25 का एक साथ खराब। अरे बोलो, बाइनोमियल थ्योरम भूल गए? बाइनोमियल थ्योरम क्या हुआ करता था, कभी लगता था बाइनोमियल, तभी लगता था ना जब x क्या हो, 1 से बहुत छोटा हो। नहीं याद आ रहा? अभी भी नहीं आ रहा सर, कभी पलट के देखा ही नहीं सर, पलट के देखने की बात ही कहा, हम तो लेक्चर ही नहीं देखे सर। है सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मतलब ऐसे इग्नोर मारते हो तुम लोग कि दिन दुनिया में इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अरे अभी भी नहीं आ रहा है तुम लोगों को? हैं जी, वो तो ठीक है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, 1 x^n बराबर क्या होता था? हाँ जी, 1 x^3 बोलो क्या यार, तुम लोग क्या ही पढ़ोगे? 1 x^n बराबर 1 n x है? कुछ याद नहीं करता, अब मैं क्या समझाऊंगा इसमें तुमको? तुमको यही नहीं पता तो हम क्या घंटा समझाएंगे तुमको? है जाओ, मेरा क्या लोगे? ठीक है, ये बहुत छोटा है, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल, ऐसे बता दूंगा, तुम रट लोगे, खत्म हो गया कहानी, है ना? आज भी वैसे हो, कल भी वैसे ही रहोगे, एक साल बाद भी जहाँ के वहीं रहोगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी ऑन हाइट क्या हो गया, जी ई है ना, 1 + n की जगह क्या है, -2, और x की जगह है h/re, हो गया। तो जी ऑन अर्थ 1 - 2 h/re, दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ जी ऑन हाइट। ठीक है, तो दिख रहा है जैसे जैसे h पढ़ेगा ये वाला पार्ट घटेगा, ये वाला पार्ट घटेगा, तो जी ऑन हाइट क्या होगा, घटता चला जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला स्पेशल है, ये तभी लगेगा जब h क्या हो, बहुत छोटा हो, किससे, re से। जब ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब कंपेरेबल होगा, तब नहीं लगाएंगे, यानी अप टू 10 किलोमीटर तक इसको यूज़ कर सकते हो, अप टू 10 किलोमीटर तक इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा की हाइट हुई तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, अगर छोटी हाइट रही तो ये, बड़ी हाइट रही तो ये यूज़ करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये हमेशा नहीं लगाएंगे, ये अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, है ना, दिस वन इज द एग्जैक्ट। थोड़ी बहुत हाइट रही तो ये यूज करेंगे, थोड़ी बहुत हाइट मतलब अप टू 10 किलोमीटर से ज्यादा रहा तो ये। चलो नोट डाउन कर लो, इधर मिटाऊं, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि ये कब लगाना है और ये कब लगाना है। जैसे आपको बोलता है कि हम कहां चले गए, हाइट पर चले गए, इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो हाफ ऑफ द रेडियस इज नॉट इग्नोरेबल एज कंपेयर टू रेडियस। रेडियस के सामने हाफ को इग्नोर कर सकते हो क्या? इग्नोर किसको करते हैं, थोड़ा बहुत को करते हैं ना। आ रही कि नहीं बात समझ में? आपके पास जो है, मैं बोलूंगा उसमें से आधा फेंक दो ना, आधा तो आधा क्या है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ, उसमें से एक आध परसेंट बोलेगा फेंकने के लिए तो हाँ ठीक है भी फेंक दे, एक आध परसेंट क्या ही होता है, ऐसा नहीं समझा? ठीक है, तो थोड़ा बहुत हाइट जाएंगे तो वी कैन यूज दिस, है ना, बट अगर ज़्यादा हाइट रही तो इसको यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, क्लियर है? अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं परसेंटेज चेंज यूज चेंज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी विथ अल्टीट्यूड, विथ अल्टीट्यूड,
तो क्या करूंगा? डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जो अभी हम ऑब्टेन करेंगे. तो देखो, जी ऑन एच इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, जी ऑन अर्थ 1 माइनस 2 एच बाय आर ई, चलेगा? तो देखो बेटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑन एच अपॉन जी ऑन ई इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एच बाय आर ई. इसको इधर, इसको इधर, तो क्या हो गया, 2 एच बाय आर ई इक्वल्स टू 1 माइनस जी ऑन एच बाय जी ऑन ई. 2 एच बाय आर ई इक्वल्स टू जी ऑन अर्थ माइनस जी ऑन एच अपॉन जी ऑन ई. कुछ दिक्कत है, ये क्या चीज हुआ बेटा, ये क्या हुआ, अर्थ पर इतना था, हाइट पर इतना हो गया. व्हाट इज दिस, चेंज इन जी, डेल जी अपॉन जी ऑन अर्थ क्या है, ओरिजिनल अपॉन जी, है ना, 2 एच बाय आर ई. परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूं बेटा, हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बस, नहीं समझा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, परसेंटेज चेंज इन जी. परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे ही निकालते हैं ना. तो परसेंटेज चेंज इन जी कितना आया, परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल्स टू 2 एच बाय आर ई इनटू 100. लेकिन अगेन शर्त है, ये कब, छोटी हाइट के लिए. किसके लिए है ये, छोटी हाइट के लिए. बड़ी हाइट रहेगी तो पर्टिकुलर ऐसे पहले अर्थ पे करेंगे, हाइट पे करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, प्रॉपरली निकालना पड़े. इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जा सकते हैं. कितना हो गया बेटा, 2 टाइम्स एच बाय आर ई इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन जी. अंडरस्टूड? आप सबको मास और वेट तो पता है, कि मैं फिर बताऊं, वेट पता है क्या होता है बेटा, वेरी गुड. चलो आ जाओ बेटा पेज नंबर 447 पर. आ गए क्या, पेज नंबर 447 पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सबको ही. आ गए क्वेश्चन नंबर 10.17, 10.18 और 10.19, तीनों बना डालो, ठीक है. 10.17, 10.18 एंड 10.19, तीनों बना डालो चलो फटाफट से. चलो फटाफट.
कोई ऐसा भी है जिसके पास बुक नहीं है? बुक नहीं लाया? सबने लाया बुक? ना बन रहा है तुम्हारी बुक कहाँ है? बना तो देखती हो कितना टाइम क्यों लग रहा है? देख के कोई नहीं सॉल्व करेगा, देख के सॉल्व किया तो वो बारहवीं फेल करेगा, ठीक में नहीं होगा, चीटिंग नहीं करेगा। बुक कहाँ है मेरे? एक बुक दो बच्चे, टेन पॉइंट वन सेवन हुआ क्या सबका? नहीं हुआ? हाँ या ना कुछ तो बोलो, किसी का ऐसा जिसका नहीं हुआ? बहुत ही आसान है बेटा, क्या बोलता है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। अब एक बात बताओ, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी क्या होगा, चेंज होगा, है ना बेटा? अच्छे से समझा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर जाऊंगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा चेंज होगा। तो जी बाय क्या हो रहा है, 1/9 हो जा रहा है। तो ये बड़ा चेंज हुआ कि छोटा चेंज हुआ? जी में बड़ा चेंज हुआ कि छोटा चेंज हुआ? पहले जी था, अब 1/9 जी रह गया। कितना चेंज हुआ, मतलब छोटा चेंज हुआ, छोटा मोटा चेंज हुआ कि बहुत बड़ा चेंज हुआ? बड़ा चेंज हुआ ना। हम इग्नोर कब कर सकते हैं? जब बहुत छोटा चेंज होगा। लेकिन यहाँ तो जी से जी बाय नाइन हो गया, नहीं बहुत छोटा हो गया, मेरे पास जितना था उसका 1/9 रह गया भाई, बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो बड़ा चेंज हो गया तो मतलब बड़ा हाइट गया होऊंगा मैं। बड़ा हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, दोनों में से कौन सा वाला यूज करेंगे? जो फर्स्ट वाला था, यानी ये वाला यूज करेंगे, जी ऑन हाइट बराबर जी ऑन अर्थ अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर, करेंगे कि नहीं? तो क्या बोला बेटा कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस। ठीक है, उस हाइट पर ये कितना हो जा रहा है अर्थ सरफेस का? 1/9। तो h पर ये है भाई जी ई 1+h/r का स्क्वायर, ये और ये संपला हो गया, ये इधर गया, ये इधर गया, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, दोनों साइड रूट, क्या हो गया बच्चे, 1+h/r इक्वल्स टू 3, है ना? ये उधर गया बेटे, h/r बराबर 2, तो h बराबर क्या आया 2r, तो कितना हाइट गया बेटा, ट्वाइस ऑफ आर। देखो बड़ा कितना ऊपर जाना पड़ा हमको, अगर यही हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा, है ना? क्योंकि वो हमने क्या बोला है आपको, छोटी हाइट के लिए बोला है। अच्छे से समझाना, थोड़ी बहुत एकाध 2% का चेंज होता जी में तो हम वो वाला लगाते, ये तो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है भाई। तो क्या हो गया, हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ आर हो गया भाई। अच्छे से समझाना, क्लियर है मेरी बात? सेकंड वाला हो गया क्या 10.18, सबका हुआ कि बताऊं? सबका हुआ कि बताऊं? झाला नहीं झाला ना, हाँ ऐसा बोलने का, शर्माने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 10.18 क्या कह रहा है बच्चे, एट व्हाट अल्टीट्यूड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। अब की बार छोटा है कि बड़ा? 1/4 हुआ, अभी भी बड़ा है भाई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, बड़ा वाला। तो जी ऑन हाइट
जी ऑन हाइट इक्वल्स टू जी ऑन अर्थ अपॉन वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये कितना बोला, कितना हो गया 1/4, तो जी ऑन अर्थ बाय 4 सेम है ये भी, है ना बेटा, एच बाय आर का स्क्वायर, ये गया 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो क्या हो गया 1 प्लस एच बाय आर इक्वल्स टू 2, एच बाय आर इक्वल्स टू 1, एच बराबर आर। कितना आज इजी है, ठीक है, तो कितना हो गया बेटा एच बराबर आर, आर कितना होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। कितना इजी है ना, फिर भी नहीं बनाते आप लोग। 10.19 बेटा बना की बताऊं, बोलो 10.19 बताना है, कर रहे हो, चलो फटाफट कर डालो। ले जाओ, हुआ किसी का, नहीं हुआ, आया आपसे हुआ कि नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, हुआ ना, बुक दो बेटे, बुक दो। बताना पड़ेगा, हाँ। नेक्स्ट क्या बोलता है, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 51% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 51% डिक्रीज हो गया बेटा, डिक्रीजेस बाय 51%, अब 51% डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, 49%, 49% मींस कितना, तो हमारे पास, तो भैया बड़ा चेंज हुआ कि छोटा चेंज हुआ, बड़ा चेंज हुआ कि छोटा चेंज, बड़ा चेंज हुआ, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अरे बोलो, G on H बराबर G on E 1 plus H by R का square। तो भाई कितना रह गया भाई, तो 49%, 49% मतलब 49/100, नहीं समझा, है ना, 1 plus H by R, यहाँ पर वो डायरेक्ट परसेंटेज वाला नहीं लगा सकते, डायरेक्ट परसेंटेज वाला कभी लगाते, जो हमने 2H by R निकाला था into 100, वो तब लगता बेटा जब छोटा 1-2% वाला होता, 3%, 4%, 5%, 10% तक होता तो झेल लेते, ये तो बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 50% का चेंज है, यहाँ नहीं लगा सकते, है कि नहीं, तो बेटा ये क्या हो गया, इसने इसको मार डाला बेटा, हाँ ओके, 49/100 इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, है ना, दोनों साइड रूट लगा दूँ, 7/10 इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ बेटा, 7 प्लस एच बाय आर इक्वल टू 10, 7 प्लस 7 एच बाय आर इक्वल टू 10, अरे बोलो, तो क्या हो गया बेटा, इधर गया तो 3, तो 7 एच बाय आर इक्वल टू, सॉरी हाँ 3, तो एच बराबर क्या हो गया बेटा 3r/7, समझा कि नहीं, चाहो तो रेडियस की वैल्यू रख लो, डेटा चाहिए तो, है ना, 3r/7, कुछ दिक्कत है, अच्छे से समझ में आया, तो आपको क्या करना है, सर हमको थोड़ी कुछ करना है, जो करना है आपको करना है, तो यहाँ पर चेक पॉइंट 10.2 है, क्या है, चेक पॉइंट 10.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा हूँ उसको टिक करते चलो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख डाला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व रहने देना, बस ठीक है इतना, ट्वेल्व तक करके आना। ओके, ट्वेल्व तक क्या करके आना, करके ही आना, ही प्रेशर डाल रहा हूं मैं, समझा क्या, करके ही आना, आराम से बन जाएगा। आप लोग बहुत होशियार हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बना के आएंगे, ठीक है, गलत मत साबित करना बस। ओके, अच्छी शबा आता शंपली, थैंक यू क्लास, ऑलमोस्ट आज क्या है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे तक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, थर्सडे सैटरडे अपन वो करेंगे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आप साथ में करते रहो, लास्ट में टाइम नहीं मिलने वाला, जो टॉपिक होता है वो टॉपिक उसी दिन कर लो, उसके क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ करके आप, अभी जैसे वेरिएशन ड्यू टू अल्टीट्यूड किया, तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, चेक पॉइंट से, एग्जाम्पल से, सब जगह से ढूंढ ढूंढ करके कर लोगे, तो आपका जैसे ही मेरा चैप्टर फिनिश होगा उसके साथ साथ आपका चैप्टर भी डीसी खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन टेस्ट होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप इंतजार करते रहोगे, एक बार चैप्टर खत्म होगा फिर हम बनाना शुरू करेंगे, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि है ना, अब तीन चार दिन बचा है, उसके बाद टेस्ट होंगे आपके, है ना, संडे को टेस्ट है ना भाई, तो उसके पहले आपको खत्म करना है, तभी हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलोगे, पीछे पीछे चलोगे तो दिक्कत होगा, करके आओगे ठीक है, पीछे का पूरा खत्म कर लो और यहाँ तक का कल तक कर लो। ओके, थैंक यू क्लास।